वंदे पुरुषोत्तमम। अक्सर हम परिवेश में देखते हैं कि जो सतपथ पर चलते हैं, धर्म के पथ पर चलते हैं, भगवान को लेकर चलना चाहते हैं, उनको अपने परिवार परिवेश से अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रसंग में युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर कहते हैं, प्रवृत्ति के उपासक हैं जो, वे तो भगवद उपासना के पथ पर बाधा सृष्ट करेंगे ही, इसमें विचित्र क्या है। यह बाधा ही भक्त के आग्रह को और भी ज्वलंत कर देता है, इसलिए प्रकारांतर यह बाधा भक्ति का परिपोषक बन जाती है। परम पिता की दया की धारा विचित्र है। हम लोगों की प्रवृत्ति चाह अनेक समय फ्रस्ट्रेटेड व्यर्थ होती है, यह भी परम पिता की दया है। जो इष्ट को चाहता है वह प्रीतिकर अप्रीतिकर सुविधाजनक असुविधाजनक सारे उपादान को ही इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के अनुकूल बना देता है। इससे ही होता है शक्ति व भक्ति का समन्वय। जो भक्ति बाधा को जय करना नहीं जानती वह भक्ति शक्तहीन है, और वह भक्ति के नाम के योग्य है कि नहीं कहा नहीं जा सकता। भक्त के राजा हैं हनुमान। पग पग में उनको बाधा मिली है और पराक्रम के संग उसमें वे उत्तीर्ण हुए हैं, और साथ ही साथ श्री रामचंद्र के मुख पर हंसी खिली है एवं परिवेश के लिए भी अच्छा हुआ है। सिर्फ एकांत में निर्झंझट मन के सुख में जप तप करने के माध्यम से भक्ति सिद्ध नहीं होती है। जैसा कि इसकी जरूरत है उसी प्रकार इष्ट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व लेकर कठोर श्रम से उसे सक्सेसफुल एक्यूट सफलतापूर्वक निष्पादन करने की भी जरूरत है। इष्ट के लिए सर खपाना पड़ता है, पसीना निकालना पड़ता है, स्वयं को अछत रखकर अग्नि के समुद्र में कूदना पड़ता है। उनकी इच्छा को पूर्ण करने के क्रम में कितने प्रकार की परिस्थिति व मनुष्य के सम्मुखीन होना पड़ता है। स्वयं उद्देश्य में अटूट रहकर सब कुछ मैनेज व मैनिपुलेट परिचालना व नियंत्रण कर सभी कल्याण को अवधारित करते हुए पारस्परिक प्रीत संगति को सलील कर सीढ़ी दर सीढ़ी अग्रसर होना पड़ता है। इसके द्वारा ही सेल्फ कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी, एक्सपीरियंस, विजडम, आत्मविश्वास, व्यक्तित्व, अभिज्ञता, प्रज्ञा विकसित होते हैं। भक्त भगवान के हाथों उनकी मंगलिक शक्ति के एक शक्तिमान हथियार स्वरूप बन जाता है। एक भक्त जहां रहता है उसके आसपास सभी तरह के उन्नत हो जाते हैं। इस योग्यता के अभ्युदय के विषय में आराम विराम की अपेक्षा बाधा विघ्न व झंझावात ही अधिक फलप्रसू होता है, पर विश्व प्रकृति दृश्य अदृश्य विभिन्न तरह से उसे शक्ति साहस व सहयोग प्रदान करती है। सत शक्ति के अंतिम जय की अनिवार्यता के संबंध में वह किसी भी अवस्था में ही विश्वास नहीं खोता है, इसलिए घनघोर अंधकार के बीच भी वह आशा का आलोक आविष्कार कर लेता है, और इसलिए ही उसे अतंद्र भाव से मंगल अभियान में चलंत रखता है। यदि वृक्ष में आम है और पास में पत्थर हो, वह चाहे जितना भी बड़ा या शक्तिशाली क्यों न हो, आम गिरेगा नहीं। मगर वही पत्थर जब किसी ऐसे हाथ में पड़ जाए जिसका निशाना ठीक हो तो आम का टूटना तय है। हालांकि आम पत्थर ही गिराता है, पर हाथ की सहायता से। उसी प्रकार हम में जितनी भी शक्ति क्यों न रहे, यदि हम ऐसे किसी हाथ में अपने को नहीं सौंपते हैं तो आम टूटेगा नहीं। वह पत्थर हम हैं, आम है वह इष्ट प्रतिष्ठा का फल, और वह हाथ है हमारे आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा। आज न जाने कितने हम जैसे छोटे मोटे कंकण से भी वे इष्ट प्रतिष्ठा के फल तुड़वा रहे हैं, उसका ठिकाना नहीं। क्यों न हम अपनी निष्ठा को संपूर्ण रूप से उनको सौंप कर दीक्षा के संकल्प आज से इष्ट स्वार्थ व इष्ट प्रतिष्ठा करना ही हमारे जीवन का यज्ञ हो, को सचमुच में वास्तवित करें। इष्ट पथ पर चलने का दिशा निर्देश युग पुरुषोत्तम परम दयाल श्री ठाकुर जी की इस वाणी में है। पुरुषोत्तम रागदीप्त मूर्त इष्ट में निष्ठा रखो, पुरुषोत्तम के मूर्त प्रतीक इष्ट को तुम सदा ही जानो। संपादकीय 7 अक्टूबर 2018
पेज नंबर 5 से। जय गुरु।